हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोसील के ऑपरेशन से संबंधित बातें की थी और आपको हमने ये भी बताया था कि ऑपरेशन होता कैसे है और इससे संबंधित जो आपकी भ्रांतियां हैं उनको भी आपको दूर करना है। और इसको वीडियो को देखने के बाद जो बहुत सारे जो कमेंट आए हैं उनमें जो एक कॉमन कमेंट सबका है, मोस्टली लोगों का, वो ये है कि ऑपरेशन कराने के बाद ये कितने दिन में ठीक हो जाता है और चलने में कब तक प्रॉब्लम रहती है या फिर दर्द रहता है, तो इस बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने हाइड्रोसील के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दी थी और ऑपरेशन का प्रोसीजर भी बताया था, और ये कराना कोई मुश्किल काम नहीं है और इसके बारे में जो भ्रांतियाँ होती हैं कि इससे कहीं हमें इम्पोटेंसी तो नहीं हो जाएगी, कहीं हमारी पावर क्षमता तो कम नहीं हो जाएगी, अगर इससे रिलेटेड इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज रहते हैं लोगों के, तो इसीलिए वो ऑपरेशन नहीं कराते और दवाएं खाते रहते हैं। तो वो सारी जानकारी अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और वो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। वो देखना ज़रूरी भी है क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आगे की समस्याएं और इनका क्या कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो वो वीडियो भी देखना आपके लिए ज़रूरी है। मुझे किसी ने एक सवाल और भी किया था कि क्या हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, तो डेफिनेटली आप सभी उसके लिए आपको अलाव है कि आप कोई भी किसी भी तरीके का आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू हेयर। और एक चीज़ और भी मैं ऐड करना चाहूँगा बताने से पहले कि जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो इसका फीडबैक ज़रूर दिया करें। और इसके दो से तीन तरीके हैं कि एक तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको इसके कंटेंट पसंद हैं और वीडियो देखते हैं तो फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आपने जो हमें सवाल लिखा था कि अगर हम हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराते हैं तो फिर आगे हमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं क्या रहेंगी या फिर जल्दी ही हम ठीक हो जाएंगे, साथ ही साथ चलने में कब कितने दिन तक प्रॉब्लम रहेगी या दर्द रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये ऑपरेशन किया जाता है तो ये बहुत छोटा ऑपरेशन होता है। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी तो उससे जितना बड़ा ये ऑपरेशन होता है उतनी तो आमतौर पर गिरने में हम लोगों को आमतौर पर जो छोटी मोटी चोट होती है वो लग जाती है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। लोग इसलिए घबराते हैं इसके नाम से क्योंकि नाम है ऑपरेशन, तो जब ऑपरेशन किसी चीज़ में जुड़ जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा तो डर सभी को लगता है, और नाम ऑपरेशन का है तो लगता है बहुत बड़ा मेजर कोई इशू है और जिसका ऑपरेशन किया जाएगा तब ये प्रॉब्लम ठीक होगी। लेकिन ऐसा, हाँ ऑपरेशन तो है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके लिए रहेगी। बहुत छोटा सा माइनर सा एक उसमें कट लगाया जाता है, पंचर किया जाता है वहाँ से, जिससे कि जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सके, और उसके बाद उसको स्टिच कर दिया जाता है। बिल्कुल पता भी नहीं चलता, अगर आप उसको उसी समय देखेंगे तब भी नहीं, तो उसमें क्या करते हैं उसके बाद उस पर ड्रेसिंग कर देते हैं, और थोड़ी बहुत देर अगर आप वहाँ पर स्टे करना चाहें हॉस्पिटल में तो रुक सकते हैं, 2-4-5 घंटे रुकना चाहें तब भी आप रुक सकते हैं, अगर आप उसके बाद घर जाना चाहें तो तुरंत घर जा सकते हैं। और जहाँ तक इसकी बात हम कहें कि ये कितने दिन में ठीक होता है, तो इसको लगभग 8 दिन बिल्कुल नॉर्मल, थोड़ा सा उसका जो जख्म है उसको सूखने में लगते हैं, उसके बाद एक बार आपको ऑब्जर्वेशन के लिए डॉक्टर के आना है, डॉक्टर को दिखाना है और उसकी दवाएं जो भी लिखी हैं उनको आगे कंटिन्यू करना है, और 10 से 15 दिन में आप बिल्कुल, मतलब उस जो आपकी स्टिचेज हैं जो लगे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि मुझे चलने में कब तक दर्द फील होगा। तो फर्स्ट डे से ही जब आप मेडिसिन लेते हैं इसकी सर्जरी के बाद, तब से ही इसका दर्द आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, और जैसा हम सोचते हैं कि सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा जब आप बैठे तो थोड़ा सा अपना केयर करें, ध्यान रखें, थोड़ा सा बाइक पर ट्रैवल कम करें, साइकिल ना चलाएं, और नॉर्मल वॉकिंग के या वैसे नॉर्मल आप गाड़ी में, ऑटो में, बस में या फिर कार में आप सफ़र करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलने में आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसे फील नहीं होगी जैसा कि आप सोचते हैं, एज्यूम कर रहे हैं जैसे, और स्वाभाविक है ऐसा एज्यूम करना, तो बिल्कुल क्लियर है कि चलने में आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि ड्रेसिंग ऑलरेडी वहाँ पर रहती है, ड्रेसिंग यानी जो पट्टी की जाती है वो ऑलरेडी वहाँ पर रहती है जो इसको सपोर्ट देती है, और जिससे कि उस पर आपको घर्षण भी नहीं होता है दूसरी स्किन से, बराबर वाली स्किन से, तो इसलिए किसी भी तरीके की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी होती है
सेकंड डे से ही आप नॉर्मल चल सकते हैं, जो भी आप घर में वॉकिंग का काम है या कहीं छोटा मोटा आप जो आप काम करना चाहते हैं वो आप आराम से कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड डे से अगर आप बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन भाई ध्यान रखिए कि बैठने का पोस्चर आपका ठीक होना चाहिए। आपको जैसे कार की सीट होती है या फिर जैसे ऑटो की सीट हो, उस तरीके की आप उन चीज़ों में सफ़र कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों से थोड़े दिन तक तो बचें, घर में ही रहें, ना जाएँ कहीं, और कम से कम 4 से 6 दिन या 8 दिन आप कहीं ना जाएं। और जब आपकी ड्रेसिंग ठीक हो जाए, जो कट है, जो आपका जो सर्जरी जहां पर हुई है वो ठीक हो जाए, हील हो जाए, डॉक्टर आपको देख कर कह दे कि हाँ अब आप नॉर्मल कहीं भी जा सकते हैं, तब आप नॉर्मली कहीं पर भी आराम से बेफिक्र होकर उसको जा सकते हैं। लेकिन ये दिमाग में बिल्कुल आपको नहीं रखना है कि ये सर्जरी है बहुत बड़ी, अब ये मैं करा के कितने दिन एडमिट रहूँगा, मैं कितने दिन भर्ती रहूँगा। कुछ लोगों ने तो मुझसे हॉस्पिटल में ये भी कहा था कि मैं ये प्रॉब्लम किसी को बताना नहीं चाहता, और मैं क्या इसके लिए मुझे भर्ती तो नहीं होना पड़ेगा, तो मैं इसको चोरी से छुप के कराना चाहता हूँ। तो ऐसा भी कोई इशू नहीं है, तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सबको हो जाती है। तो आप इसको आराम से घर पे बताइए, इन्फॉर्म करिए, उनसे बोलिए कि मुझे ये ऑपरेशन कराना है और मुझे ये प्रॉब्लम है, तो ये कहीं पर भी आप करा सकते हैं। एक सवाल मुझसे बीच में और भी लोगों ने कमेंट ऑप्शन में पूछे हैं कि हमारे लिए बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, हम इसको कहाँ कराएं। तो बेस्ट हॉस्पिटल की ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में जो सर्जन है आप किसी भी अच्छे सर्जन से मिल सकते हैं। आई थिंक सो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो सर्जन है वो मतलब वेल क्वालिफाइड होते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं जाके। अगर आपको ज़्यादा अच्छे चाहिए तो रिकॉर्ड उनका थोड़ा सा पूछ लीजिए किसी से, आपको पता चल जाएगा, वरना आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऑपरेशन होते हैं, वहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं, वहाँ पर भी इसकी सर्जरी करा सकते हैं। तो डिपेंड आप पर करता है, ऐसा कुछ स्पेसिफाई हम नहीं कह सकते कि किसी एक शहर में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, दूसरे शहर में अच्छे डॉक्टर हैं, तो ऐसा नहीं है, सभी जगह आपको अच्छे और बेस्ट डॉक्टर मिल जाएंगे। और छोटे से बड़े हॉस्पिटल में कहीं पर भी अगर हम बात करें सर्जन की, तो कहीं पर भी आप इसे करा सकते हैं। ये बहुत छोटा सा माइनर ऑपरेशन है जो छोटी फैसिलिटी में भी हो सकता है, बट सर्जन सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो आप उसको दिखाएं। तो वेल आई थिंक सो कि इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा कुछ ऐसी नहीं है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है, परेशान होने की ज़रूरत है। बिल्कुल दिमाग से ये निकाल दीजिए कि हाइड्रोसील का एक बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन होता है, ये बहुत छोटा सा माइनर ऑपरेशन होता है, और इसका नाम ऑपरेशन है इसलिए इससे डर लगता है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये प्रॉब्लम है तो ये सही समय पर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे चल के फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी, साथ ही साथ जो आपके जॉब से रिलेटेड जो मेडिकल होने वाले हैं उनमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर आप इसे पहले ही करा लेंगे तो जो आगे जॉब के लिए अगर आपके मेडिकल होने वाले हैं तो उसमें आपको आराम रहेगा। हमने पहले भी बताया था कि अगर आप किसी ऐसे जॉब में अप्लाई करने वाले हैं जहां पर फिज़िकल मेडिकल होता है, तो उसमें आपका जो इसका ड्यूरेशन है वो आपकी सर्जरी और मेडिकल के बीच में कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। तो पहले से प्लानिंग रखिएगा कि अपना कि अगर आपको इसको कराना है तो हम 6 महीने पहले ही इसको करा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, जिससे कि हम आराम से मेडिकल में जा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।